रौन पुलिस ने 1 करोड़ के गांजे के साथ युवक को किया गिरफ्तार। गांजे को बाहर बेचने की फिराक में था आरोपी। दरअसल मामला भिंड जिले के रौन थाने का है, जहां भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह निर्देशन में जिले भर में ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रौन थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रौन थाना प्रभारी उदय भान सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ बिरखड़ी गांव से करीब 1 करोड़ रुपए की गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजा को बाहर बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। रौन थाना प्रभारी उदय भान सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की रात्रि में उन्हें विश्वसनीय सूत्र से जानकारी मिली कि बिरखड़ी गांव में एक युवक गांजा बेचने की फिराक में पुरखाने की गुफा के पास चचाई रोड पर घूम रहा है। उन्होंने उक्त सूचना से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। तभी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने नयागांव थाना प्रभारी हरजेंद्र सिंह, साइबर सेल उप निरीक्षक शिव प्रताप सिंह और सत्यवीर यादव को तत्काल मौके पर कार्रवाई हेतु भेजा। इसी के साथ रौन थाना प्रभारी उदय भान यादव भी मय बल के साथ मौके पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर उक्त युवक भाग खड़ा हुआ, जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी करके दबोच लिया। आरोपी की तलाश के दौरान उसके कब्जे से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। जब्त किए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना नाम शिवम पुत्र सतीश भारद्वाज, उम्र 20 साल, निवासी ग्राम बिरखड़ी बताया है। बता सर, ये गांजा पकड़ा गया कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कितनी कीमत और क्या पूरा मामला है? इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो है करीब 1 करोड़ है। ये आज सूचना मिली थी मुकुल द्वारा कि एक व्यक्ति गांजा लेके कहीं बेचने के जाने की फिराक में है। सूचना की तस्दीक अधिकारियों को बता के तस्दीक के लिए हम लोग रवाना हुए। पुलिस पार्टी थी तो जी बिरखड़ी गांव में जो अपना नवोदय विद्यालय है उसके बगल से पीछे चचाई रोड पे मंदिर है एक सिद्ध बाबा का, उससे पहले उसने जो होलिया बताई थी मुखबिर ने, उस तरह का आदमी खड़ा देखा जो पुलिस को देख के थोड़ा शक पकाया, उसको पकड़ के उससे देखा तो उस पर गांजा निकला। उससे उस गांजा कहां से लाया, कहां रखा था, कितना हो रहा है, इस संबंध में काफी पूछताछ की, बारीकी से पूछताछ की, उसके बाद भी नहीं बता रहा था। तो सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय से दिशा निर्देश प्राप्त किया, उन्होंने कहा डॉग भेजते हैं हम, डॉग के माध्यम से सब पता चल जाएगा। तो पुलिस लाइन से डॉग आया था और डॉग को जो है उसको सुहा के और उसको ट्रैक पे जाके उसने और जो आरोपी पकड़ा है हमने उसके घर में डॉग सीधा जाके रोका, जहां भुसभरा हुआ है कमरे में उसमें गांजा रखा था छिपा हुआ। जब कितना गांजा पकड़ा गया, कितने आरोपी? करीब 1 क्विंटल गांजा है, 1 आरोपी है। गिरफ्तार हो गया जी। इसमें सर किस चीज की भूमिका रही? इसमें साइबर सेल के उप निरीक्षक श्री शिव प्रताप सिंह, अमान थाना प्रभारी श्री दीपेंद्र और हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर नादे प्रवेंद्र और स्टाफ। कितने लोगों की टीम थी सर इस कार्रवाई में? इसमें और उमरी थाना प्रभारी भी थे भाई, उमरी थाना प्रभारी भी थे उसमें। हमारा कल काफी अच्छी कार्रवाई की गई है, जानकारी मिली थी कि यहाँ एक गांजा बेचने वाला, जब उसके घर पर रेड किया गया तो लगभग 10 केजी गांजा उससे मिला और आगे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कुछ और अधिक वहां गांजा हो सकता है जैसा कि हमें सूचना मिली थी। तो प्रशासन द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा हमारे भिंड पुलिस को 3 डॉग प्रदाय किया गया है, जिसमें से 2 डॉग जो है वो नेरकोटिक्स में विशेषज्ञ हैं, तो उनका उपयोग किया गया, पहली बार उनका उपयोग किया गया है। और डॉग ने जैसा कि आपको अभी दिखाया गया, डॉग ने जो है हमें जो उनका स्टोर हाउस था, गोडाउन था, वहां तक हमने पहुंचा दिया और फिर आगे हमें सफलता मिली और कुल 91 केजी गांजा बरामद किया गया। जी क्योंकि एक कॉन्ट्राबैंड चीज है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, कितने कीमत पर क्या बिकती है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए के हिसाब से है तो आप जोड़ सकते हैं।